क्योंकि अभी हुआ क्या है ना कि ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने वाले बिजनेस के रूप में पढ़ रहे हैं, उनको अपना धंधा चलाना है तो ऊपर ऊपर की चीज पढ़ लेते, लेकिन जो सच में उसको स्टडी के रूप में लेकर बैठते, उन्होंने पाया कि ये जो ऊपर की चीज है ना, ये कब जन्मा, ये तो बस 20-30% डिपेंड करती है उसके जीवन पर। सही काम तो वो क्षण कर रहा है जब उस गर्भ में वो आत्मा तत्व प्रवेश किया, जब वो आत्म तत्व बना, जब वो गर्भ बना। इसलिए सिर्फ हमारे ही देश में सबसे पहले एक चीज जनरेट हुई और उसे कहते हैं कि गर्भ संस्कार। जो अभी पूरा का पूरा बात किया उसी तरह की है कि अगर तुम जन्मते हो, उसके दो रूप है, एक जब तुम जिस दिन मां के गर्भ से बाहर आए, और एक वो समय जब तुम मां के गर्भ में प्रवेश किए। जो ऊपरी तौर पर जानते हैं कि अभी हुआ क्या ना कि ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने वाले बिजनेस के रूप में पढ़ रहे हैं, उनको अपना धंधा चलाना है तो ऊपर ऊपर की चीज पढ़ लेते, लेकिन जो सच में उसको स्टडी के रूप में लेकर बैठते, उन्होंने पाया कि ये जो ऊपर की चीज है ना, ये कब जन्मा, ये तो बस 20-30% डिपेंड करती है उसके जीवन पर। सही काम तो वो क्षण कर रहा है जब उस गर्भ में वो आत्मा तत्व प्रवेश किया, जब वो आत्म तत्व बना, जब वो गर्भ बना। इसलिए सिर्फ हमारे ही देश में सबसे पहले एक चीज जनरेट हुई और उसे कहते हैं कि गर्भ संस्कार। हमारे देश में गर्भ संस्कार नाम की चीज पहली बार जनरेट हुई, उसके बाद यहां से ही पूरी दुनिया में जाई, और ये भी ज्योतिष शास्त्र से ही आया। ज्योतिष शास्त्र ने ये पाया कि अगर जीव उसी वक्त बना जब मां के गर्भ में उस बच्ची की निर्मिति शुरू हुई, तो अब वो जीवित है। ऐसा तो नहीं है कि बाहर निकालने के बाद उसकी धड़कन बनेगी और दिमाग का, ऐसा नहीं है, वो सब चल रहा उसके भीतर। वो धीरे धीरे जो अवयव उसके भीतर बने, वो थोड़ा थोड़ा काम करना भी शुरू हुए। आज तो हम जैसे सोनोग्राफी में देखते हैं, डॉक्टर तुम्हें दिखाता भी है, देखो इसकी धड़कने चल रही, देखो ये घूम रहा, देखो इसकी मूवमेंट हो रही। जब बच्चा 7-8 महीने का हो जाएगा तो मां भी अपने भीतर फील कर पाती कि उसका पैर लग रहा है कुछ, होता है ना बाबा। तो ये जो चीजें है, ये है क्या, ये वो है कि वो जीवित है, अभी गर्भ में है लेकिन जीवित है। उसका पृथ्वी पर अवतरण हो चुका, अभी से ही उसको उस तरह की एनर्जीज बांटो, अभी से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दो। और इस ट्रेनिंग के दरमियान ये बहुत बड़े पैमाने पे होता है कि तुम्हारे निश्चित काल में निकलने का समय तय, बीच की ट्रेनिंग भी बहुत मिलती है। अगर इस बीच की ट्रेनिंग को तुम ना दो तो फिर जैसे निकले वैसे उसका नसीब। तो हर बच्चा जन्मते वक्त दो दो चीजें जन्म मतलब तय करके आता है, एक कब जन्मेगा, कहां जन्मे, कोई आत्म तत्व, और वो होता है उसके पिछले जन्मों की ऊर्जाओं के हिसाब से। हमारे यहां पे एक बहुत प्यारी चीज कहते हैं कि जो भविष्य है ना, मौत का समय ना बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा महत्वपूर्ण है मौत का समय। इसलिए जीवन भर कुछ ऐसी चीजें कर दी जाती है जो तुम्हें मौत के समय याद आए। इसलिए हमारे यहां पे कहते हैं कि हमेशा भगवान का नाम, हमेशा खाली समय में क्या करो तो भगवान। उसका रीजन एक है, क्योंकि इस भगवान के नाम के साथ ना तुम्हारी कुछ अलग भावनाएं जुड़ी है, और वो भावनाएं हैं ऊपर की। जैसे तुम किसी स्त्री के बारे में सोचो या पुरुष के बारे में सोचो और तुम वासनाओं में उतर जाओ, अब ये भावनाएं निचलेतम स्तर की हो गई, लेकिन जब तुम भगवान के बारे में सोचोगे ना, यू फील बेटर, तुम खुद पाओगे कि ऊंचाई की बात। ये दुनिया भर ने कहा कि ना उसका कोई नाम है, ना रंग है, ना रूप है, फिर भी हमने उसे नाम दिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास नाम की ही समझ है। किसी को राम पसंद, किसी को कृष्ण पसंद, किसी को महादेव पसंद, किसी को विष्णु पसंद, किसी को देवी पसंद, किसी को कुछ पसंद। कोई अल्लाह में मानने वाला, कोई जीसस में मानने वाला, कोई बुद्ध में मानने वाला, कोई महावीर में मानने वाला, कोई नानक में मान, तुम मानो किसे भी, लेकिन जब जिसे किसे तुम मानते हो, उस शक्ति को अगर तुम याद करो अपने भीतर, तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर तुमने एक अलग ही स्थिरता को अनुभव किया। और ये वही कह सकता है जिसने इस चीज को किया। अगर जैसे हमने कुछ दिनों से मंत्र विज्ञान पे जो मेडिटेशंस लिए, हमने अलग अलग लोगों के लिए, लेकिन तुम पाओगे कि जो इंसान तुम्हारे पास का है ना, उसी का तुमको ज्यादा जचा। अगर कृष्ण पर तुम्हारा प्रेम है विशेष, तो कृष्ण के मंत्र ने तुम्हें वो आनंद दिया जो बाकी मंत्रों ने नहीं दिया। तो इस चीज को समझना कि ये जो अलग अलग मंत्र हम कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भाई तुम अलग अलग मंत्र करते बैठो, अबे जंतर पंतर प्रथमा द्वितीया तृतीया हो जाएगा तुम्हारा। ये तो ऐसे ही है कि तुम 5-4-3-2 नावों में अपने हाथ पर जड़ा के सफर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बस 4-5 अलग अलग नामों के साथ हमने इसलिए बनाया कि कोई तुम्हें पसंद आ जाए तो तुम आगे निकल।
तुम्हें राम पसंद आए, तुम राम का मंत्र लो और निकल पड़ो अपनी यात्रा पे, कृष्ण के लिए रुकना भी मत। और तुम्हें कृष्ण पसंद आ जाए, तुम अपना कृष्ण का मंत्र लेके निकल पड़ना यात्रा पे, तुम राम और कृष्ण और बाकी की चीजों के लिए रुकना। यात्रा महत्वपूर्ण, किसका कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट। तो इस चीज को इसी तरह से लेना कि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है भीतर तक में। जब तुम आखिरी समय पे उस भाव के साथ जाओगे तब तुम पाओगे कि तुम्हारी आगे की जो गति है वो आसान। विज्ञान इस पर काम कर रहा है। विज्ञान कहता है कि मरता है मतलब आत्मा निकलती है, मतलब क्या? तो उन्होंने बेवकूफ जैसे एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने कहा कि किसी मरते हुए इंसान को एक बंद इसमें रख दिया, कांच वाच लगा दिया, आत्मा निकलती तो करे क्या। इसको कहता है गधा बच्चे से। ये उन डिवाइसेस से उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसके द्वारा उसे समझा ही नहीं। ये तो वैसे ही है जैसे वाटरप्रूफ फोन को मैं पानी में डालूं, उसमें पानी जाएगा नहीं, क्योंकि उसकी वाटरप्रूफिंग है। उस डिवाइस में लगाई गई वो स्पेशल चीज ही उसे डुबाने से रोक रही है। उस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए ये डिवाइस है। आत्मशक्ति को एक्सपीरियंस करने के लिए शरीर ही डिवाइस है। किसी इक्विपमेंट के द्वारा तुम नहीं करो। इसलिए विज्ञान कहता है कि ये शरीर ना बड़ा काम का है। तुम्हारे दिमाग जो है ना कुछ 900 ग्राम से लेकर 1.5 किलो तक का हो, ये दुनिया की सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर में से एक है और ये चलता है 9 वाट पे, 9 वाट पे चलता है। सबसे कॉम्प्लेक्स लेकिन सबसे तेज, सुपर कंप्यूटर को भी मार कर दे ऐसी इसकी ताकत है। तो क्या कहो, हमारे शरीर में जो एक रचना है कि हम खाना खाते हैं और रक्त बन जाता है, इस रचना को बनाने के लिए बायोलॉजी की भाई सदियां लग जाएंगी। इस मशीन को बनाने सदियां कि कोई इसमें से आलू डाले और खून निकले। विज्ञान आज तक तो कितना भी तुम कह लोगे विज्ञान बड़ा प्रगत हो चुका, साले खून बना के दिखा बनाएंगे, सदियां लग जाएंगी। तो किन्हीं चीजों के लिए किसी तरह का डिवाइस ही काम का है। अगर मैं मोबाइल लेकर मिलिट्री के मैदान में कूद जाऊं और कहूं ढिश्याम ढिश्याम तो क्या होगा? वही होगा जो सब जानते हैं। ये तो वैसे ही जैसे अगर तुम्हें गर्लफ्रेंड से बात करनी है और तुम बेलन कान को लगा, वो तो पड़ेगा तुम्हें पास। चार्जिंग का मत लोड। तो इतना ही समझ लो कि उस तरह के डिवाइसेस नहीं बन सकते जो आत्मशक्ति वगैरह को देख पाए। तुम बोलोगे हाँ एनर्जी सेंस हुई, हमने ऑरा फोटो फटा निकाली, हमने ग्रेविटी वो अपना को क्या वो आयर फ्रीक्वेंसी, या ऐसी तुम गंदी बचकानी बेवकूफानी बच्चों जैसी बातें कर सकते हो। ये वैसे ही है जैसे बच्चा अपने नोटबुक पे एक सूरज बनाए और बोले देखो मम्मी सूरज है, देखो मैंने सूरज बना लिया। तो फिर ITER में जो वैज्ञानिक काम करे वो क्या बेवकूफ है जो न्यूक्लियर फ्यूजन के तहत सूरज बनाने की कोशिश कर रहे? वैसे ही है ना। तो ये चीज तो तुम्हें जल्दी समझ आ जाती, लेकिन इस चीज को समझने में भाई तुम्हारे आटे लगते। इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मैं मानता हूं मनु, मनु को इसलिए मानता हूं, तुम पाओगे मजे की बात बोलता हूं, आज का थोड़ा प्रवचन लंबा हो जाए। मनु एक ऐसा इंसान था ना जिसने मनुस्मृति रखी लिखी सब जान, और इन्हीं मनुस्मृति में कहते हैं कि 4 वर्ण उसने बनाए जिसके हिसाब से हिंदुओं की पूरी सांस्कृतिक रचना बनी, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय ये सारे के सारे जो चार वर्ण उसके हिसाब से ही पूरे के पूरे देश में संस्कृति की निर्मिति की गई वगैरह। इस इंसान की किताब हिटलर अपने टेबल के पास मतलब जहां पे वो सोता था अपने बेड के पास लेके सोता, इतना पावर। इस इंसान के विरोध में दुनिया के हर सामाजिक इंसान ने काम किया, कई संत आए, कई अनलाइटेड लोग आए, उन्होंने कहा नहीं ना जात है ना पात है, सब परमात्मा एक जैसा है, हर किसी के लिए एक है, हर किसी उसी से निर्मित वगैरह सब बातें की सबको पता है वो, लेकिन फिर भी ना जात गई ना पात। मजी की बात तो ये हुई कि इन्होंने जाति प्रथा को तोड़कर धर्मों को तोड़कर एक अलग संप्रदाय बनाया इस हिसाब से कि इस संप्रदाय में सब एकजुट होके रहेंगे, ना जाति रहेगी ना पाती रहेगी। और कुछ समय के बाद उसमें भी सारी जाति पातियां निर्मित, जैसे फॉर एग्जाम्पल नानक जी, गुरु नानक जी जो थे उन्होंने हिंदू और मुस्लिम धर्म उस वक्त के जो प्रचलित धर्म थे भारत
उन दोनों में की जो प्यारी सी प्यारी चीजें थी उसको लेकर सिख धर्म की निर्मित की। जैसे सिख धर्म के अगर तुम गुरुद्वारे में जाओगे तो तुम वहां पे मूर्ति नहीं पाओ, उस वहां पे गुरु ग्रंथ साहब को रखकर ही वो भगवान की तरह पूछते हैं। वो उन्होंने मूर्ति का विरोध किया, ये मुस्लिम धर्म की चीज है कि वो मूर्ति में नहीं माने, उसका कोई आकार ही नहीं है वगैरह, मतलब इस तरह की चीजें उन्होंने इकट्ठा। तो जब वो करतारपुर गए और इस देश भर के सारे लोगों के साथ गए, बहुत से मानने वाले लोगों के साथ गए, उसमें कोई हिंदू था, मुस्लिम था, 100 धर्मों के लोग थे, 100 जातियों के लोग थे, उन्हें कहा सब एक जैसे रहेंगे, सब एक ही है। बात तो बड़ी बंदा बात ही खत्म करता। नानक, गुरु नानक थे ही ऐसे, थे ही उतने प्यारे कि उनकी बात हर किसी को समझ, और जिन्होंने उनको सुना उन्होंने कहा बिल्कुल मालिक बात बराबर कर रहे हैं, सब एक है, सब परमात्मा के बनाए हैं। लेकिन तुम पाओगे कि समय के साथ इस धर्म में भी बहुत सारे जाति संप्रदाय निर्मित हुए, और ऐसा ही मुस्लिम धर्म के साथ भी हुआ, ऐसा हर धर्म के साथ हुआ, ऐसा ही क्रिश्चियन धर्म के साथ, ऐसा ही बुद्ध धर्म के साथ हुआ, ऐसा ही जैन धर्म के साथ, कि समय के साथ उसमें भी अपने अपने, और इन्होंने उसका विरोध किया था। दुनिया भर के तुम समाज सेवक देखो जी, जो पिछले 100-150 सालों में तुमने देखे, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की, किसी संप्रदाय या किसी समाज के लिए उन्होंने पूरे के पूरे जीवन को दिया और उस समाज को बाहर निकालने के लिए सारे, उन्होंने भी इसी तरह की बात की, उन्होंने पूरे जाति प्रथा का विरोध किया, फिर भी जो कभी नहीं जात वो है जात। सोचने जैसी चीज है कि कहां पे सारे के सारे प्रभुत्व और कहां एक मनु जो लिख गया आज तक हम मान, क्यों? क्योंकि ये ऊपर ही बातें हैं जो बताई जा रही, और ये जो भीतर की चीज है ना ये मनु ने समझी, वो क्या समझी थी वो हम कभी बात। लेकिन इसको चीज को जरा याद करना, इसको समझने की कोशिश करना कि इस एक चीज, एक इंसान ने ही सारा का सारा इंसान को कैटेगराइज करने की कोशिश की, और हजारों लोगों ने काम करने के बाद भी वो इंसान को कोई तोड़ नहीं पाया। जरा सोचना कभी हम जवाब कल परसों।